सर माइक ऑन करो सर। हाँ, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट यूनिट नंबर 6, दैट इज ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी पार्ट डिस्कशन। बेसिकली इफ यू सी दिस यूनिट, इट हैज टू पार्ट। वन इज अबाउट ट्रांसमिशन लाइन, एंड सेकेंड वन इज स्मिथ चार्ट। So basically, transmission line, in transmission line you should know the primary constants or primary parameter. Screen is visible na? Yes, sir. Yes, sir. Of transmission line. So these parameters are R, L, C, G. G is conductance. So you should know about the basic information about that. Second is you should know about the secondary parameters or secondary constants of transmission line. That is alpha, beta, gamma. These are the basic and also intrinsic impedance, that is Z naught. These are the secondary parameters, right? So इसके बारे में भी basic चीजें मालूम होनी चाहिए, इसका formula क्या है and वगैरह वगैरह. Third जो है वो आता है relation between primary and secondary constants or parameters. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ये आपको ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर है, और दूसरा पार्ट जो आता है स्मिथ चार्ट, उसके ऊपर डायरेक्टली न्यूमेरिकल ही आएगा. तो मैं अभी डायरेक्टली न्यूमेरिकल पार्ट पे आता हूँ. तो न्यूमेरिकल पार्ट में अगर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, अगर ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो स्टिल अगेन इट इज अनप्रिडिक्टेबल. क्वेश्चंस आर अनप्रिडिक्टेबल. बट आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट जो पैरामीटर्स फाइंड करने के लिए, दैट इज एस डब्ल्यू आर हो गया या रिफ्लेक्शन कोफिशियंट हो गया, ये आपको आने चाहिए फाइंड करने के लिए. वैसे क्वेश्चंस जो है ना वो थोड़ा देखो उस टाइप के क्वेश्चंस. ठीक है, बाकी स्मिथ चार्ट के ऊपर जो न्यूमेरिकल है उसके ऊपर, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जो कि कवर कर लेगा. ए ट्रांसमिशन लाइन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ 300 ओम एंड टर्मिनेटेड इन अ लोड जेड एन इज इक्वल टू 150 प्लस जे 150 ओम. फाइंड
following using Smith chart. Using Smith chart. First, VSWR. Second, third, input impedance at distance point 1 lambda from load. Fourth, input admittance. From 0.1 lambda from load. Load. Fifth, position of first voltage minimum and maximum from the load. From the load. ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है. मैं यहाँ पे एक नोट डाल के रखता हूँ, नहीं तो आप लोग क्या एक क्वेश्चन पढ़ के आओगे बाद में बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन आया नहीं. तो नोट ऐसा है कि such type of questions will be asked. Question can be asked with some variations in values. ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच आई एम डिस्कसिंग सो दैट इट विल हेल्पफुल फॉर यू. थोड़ा इजी कर देगा आपका काम, इसके लिए डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन बैंक दे रहा हूँ. ठीक है, तो यूनिट सिक्स के अंदर इतना भी आपने किया, इतना एटलीस्ट आप देख के जाओ. ठीक है, तो आपको एटलीस्ट ऐसा होगा एग्जाम में कि ये क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको झिझक नहीं होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए. क्योंकि क्या होता है, अगर उसमें भी अगर आपको झिझक हो रही है तो फिर वो ऐसा हो जाता है कि फिर कोई मतलब नहीं बनता, मतलब कि जो मैंने आपको अभी बताया यूनिट नंबर फिफ्थ में, उसमें एक चीज और ऐड करनी है. आई फॉरगेट टू टेल यू दैट इज हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. इस इक्वेशन को जे ओमेगा के टर्म्स में लिखने के लिए हम लोग हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोलते हैं. तो इसके अंदर राइट हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ठीक है ना, वो देख लेना, वो इसके जैसा ही है. उसके अंदर ऐसा है, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन ई, या डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू जे ओमेगा म्यू दिस प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन एच. तो ये जो है ना,
ये हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है, ये आपको आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? हेलो हेलो, एम आई यस ऑडिबल? सर, तो यस सर, हाँ, तो ये जो यस क्वेश्चन यस है सर, ये आपको आने चाहिए। अगर ये आपको आता है तो आई एक्सपेक्ट कि देखो वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा। वर्स्ट सिनेरियो ऐसा होगा कि एटलीस्ट ये पासिंग मार्क्स जितने क्वेश्चंस कवर करेगा, क्योंकि क्वेश्चन टफ आ गए या कुछ वेरिएशंस आ गए तो। अब अच्छा से सिनेरियो ये हो सकता है कि उसमें 80% 90% भी कवर हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आप बुक पूरा पढ़ो, आपके हिसाब से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, एंड ये क्वेश्चंस देखो आपको कवर हो रहे क्या उसके अंदर अच्छे से। मतलब ये क्वेश्चंस आपने लिख के देख लेने के लिए, इसके आंसर्स लिख के देख लेने के कि हाँ भाई आ रहे, ताकि ये अगर क्वेश्चन आते तो आप डायरेक्टली आपने छाप देने के। तो वो एक चीज हो गई। दूसरी चीज ऐसा है कि अगर आपको कोई टॉपिक लगता है कि अगर कवर करना है आपको नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि एक इंडिविजुअल स्टूडेंट बोल रहा है उसके लिए मैं लेक्चर ले रहा हूँ, ऐसा नहीं। एटलीस्ट 5-6 बच्चे कम से कम चाहिए, 5-7-8 बच्चे। वो अगर बोलते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक आप कवर करके दो, तो मैं वो भी कवर करके यहाँ पे एक्स्ट्रा लेक्चर ले सकता हूँ उसके।